देखिए, मैं ऐसी राजनीतिक रोटियां जो सेकते हैं हमारे विरोधी दल के लोग, उनकी बातों में मैं नॉर्मली उनको डिग्निफाई नहीं करता हूं कमेंट पे। मेरा एक जनरल कमेंट है, दे शुड डू द थिंकिंग विद देयर ब्रेन्स। मैं आपको बड़ी बेसिक चीज कह रहा हूं। और ये हम एडवाइजरीज तो पता नहीं कब से दे आ रहे हैं, और हमने कुछ तो काम सही किया होगा कि 24 फरवरी को मिलिट्री ऑपरेशन बंद होने से पहले ही 6-8 हजार हमारे बच्चे आ चुके थे। कुछ नहीं आए, उसका क्या कारण था, उनका क्या उनकी सोच थी, इस पर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है, अगर 20,000 में से 17,000 अभी तक निकाल लिए हैं, और एज वी स्पीक द इवैक्यूएशन इज गोइंग ऑन। अभी हमने जो हमारी एयरफोर्स की फ्लाइट है जिसमें 180 बच्चे जाने वाले हैं, वो तो ऑलमोस्ट उसके लिए तैयारी है, और जो इंडिगो की फ्लाइट उसके लिए भी 220 एज वी आर स्पीकिंग दे आर कमिंग इन। सो समथिंग वी हैव टेकन प्रिकॉशन, काफी हफ्तों से एडवाइजरीज दी गई हैं, तभी तो 6-8 हजार बच्चे बाहर आए थे। तो इसके आप राहुल गांधी जी को कहिए, वो जो चुनाव हो रहे हैं उन पे जरा कॉन्सेंट्रेट करें। और अखिलेश जी को क्या मैं बताऊंगा, मैं आप उनको तो खुद ही इतने समझदार हैं।